क्या कर रही हो यहाँ तुम? कुछ सामान समेट रही थी ताकि अपने लिए जगह बना सकूं। किसने इजाजत दी तुम्हें? बेकार काम करने के बजाय चलो मेरे साथ। कहाँ? हमारा एक मुलाजिम छुट्टी पर चला गया, उसका काम अब तुम्हें करना होगा। प्यास लगी होगी। जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया आपका। क्या हुआ खदर साहिबा, आपको कुछ कहना है क्या? तुमने वाकई बारान साहब की रिपोर्ट की थी? नहीं खदर साहिबा, मैंने नहीं की थी। जानती हूं तुमने नहीं की, मुझे पूरा यकीन था। रिपोर्ट तो उसकी करनी थी मुझे, जिसने मेरे भाई को गोली मारी। काश के मैं कर पाती, मगर मैं डर गई थी। दिलान, देखो फैसला तुम करोगी कि किस बात पर यकीन करना है, मगर मेरी बात ध्यान से सुनना। बारान जब कोई फैसला कर लेता है तो पीछे नहीं हटता। अगर कह दिया कि खून रजी नहीं होगी तो नहीं होगी। अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता। तो क्या ये झूठ है? झूठ बोल रही हूँ मैं? क्या तुमने भाई को गोली नहीं मारी? तुमने जो देखा वैसा नहीं है। शायद ऐसा ना हो जैसा लगता है। बारान भाई को हॉस्पिटल लेके गया था। अगर वो चाहता तो उसी वक्त मार देता। उसके बाद जब हमें खून की जरूरत पड़ी। रुको बेटी, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, खासकर हसन और आजादे साहिबा को बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर सच क्या है? अगर बारान ने गोली नहीं चलाई तो फिर किसने चलाई? कमरे से बाहर क्यों निकली? मोहतरमा ने इसे कुछ काम दिए हैं बारान साहब। सुनो, कुछ पूछना है तुमसे। जब भाई को गोली लगी थी और हम हॉस्पिटल में थे, तुमने कहा था शायद ऐसा ना हो जैसा लगता है। अगर तुमने गोली नहीं चलाई थी तो फिर किसने चलाई थी? किसको बचा रहे हो तुम? मैंने मारा है। ये मैंने किया है। मैं तुम्हें वजाहत क्यों दूं? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि ये किसने किया मेरे भाई के साथ। कहा था मैंने, ये नाक कटवा कर रहेगी हमारी, इसीलिए कमरे में बंद किया था उसे।
अरे हनीफे, क्या है? रुको रुको, बात सुनो। ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे उसका दिल दुखे। अब बात इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब मैं उसे बता के रहूंगी कि चक्कर चलाना होता क्या है। न जाने कब हमें इन मुश्किलों से छुटकारा हासिल होगा। चेवतित के जख्म अभी भरे नहीं है और पूरी फैमिली सुमरुख के पीछे भागी जा रही है। देखो जरा भाई, उस लड़के से मिलती रही और बेवकूफ बनाती रही हमें। रुकिए अम्मी, लोग जमा हो जाएंगे। पहले हम काफी बदनाम हो चुके हैं। तुम बस भी करें, आप लोग बस करें। अभी सब लोग अंदर चले, मैं बताती हूँ सारी तफसील। कही क्या बात है? इस वक्त कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। आज शाम में मिलना मुश्किल होगा मेरे लिए। सब ठीक तो है ना? उस रेस्टोरेंट के किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से आज वो बंद होगा। समझ गया, तो फिर किसी और दिन पर रख लेते हैं या कहीं और मिल लेते हैं। बाहर मिलना इतना जरूरी भी नहीं, हम आपके घर आकर आपसे मिल लेते हैं। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। आराम से बातचीत भी हो जाएगी और आपकी वाइफ से मुलाकात भी। बारान साहब, क्या आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। हम दोनों आपके मुंतजिर रहेंगे। परफेक्ट बनी है। बारान की और मेरी है, चलती हूँ, ठंडी ना हो जाए। और कोई चीज तो नहीं चाहिए? नहीं, ये काफी है। तुम अपना काम करो। अम्मी, क्या ये आज करना जरूरी है? पहले ही काम ज्यादा है आज और आप आयता साहिबा की चीजें निकालने का कह रही हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी, ये भी तो काम है, इसे भी तो करना है। ये तो ज्यादा ही कर रही हैं आप मेरे साथ। पहले निकालूं, फिर साफ करूं, फिर धूप लगाऊं, फिर रखूं। किसी को अतिया कर दें ये चीजें या उठाकर फेंक दें इन्हें। कैसी बातें कर रही हो गुल? तुम्हें पता है ना बारान साहब कितना प्यार करते हैं अपनी माँ से। अगर आयतन साहिबा की चीजों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो बारान साहब हशर कर देंगे। बात सुनो गुल, काम एहतियात के साथ करना, अच्छी तरह सफाई करना। मैं आकर चेक करूंगी। जिस तरह आपने कहा वैसे ही करूंगी।